घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे चुप, एकदम चुप कर। इस घर वालों ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है, तुझे तो मैं जमीन पर उतारूंगी। आ देखे जरा किसमें कितना है दम। हाय हाय सासु मां, मैं वारी जाऊं। अब लेट के देख लूं थोड़ो है। देखी ना। हाँ। अब अच्छो लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। सच्ची सोने पे सोनो। बड़ी श्रद्धा है मुझे तो, मगर क्या है ना सासू माँ, आज मेरे सर में बड़ा दर्द है। सर में दर्द यहाँ? नहीं, यहाँ तो प्रेशर है, दर्द तो यहाँ है। सासू माँ देखिएगा, जैसे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा ना, मैं यूं सबसे पहले तैयार होकर आ जाऊंगी। हाँ चलो सासू माँ, वर्मा जी के घर चलो, मतलब कि शर्मा जी के घर चलो, चांद के पार चलो। अरे गुलटी मधु, अरे कहाँ रह गए ये सब, पूजा के लिए देर हो रही है। अरे फैसले के मारे फुर्सत ना मिले। अरे गुलटी राजू सन्नो मधु सब कहाँ रह गए, जल्दी आओ, पूजा को देर रह रही है। कहाँ पत्नी कहाँ है? ये तो मेरी है यार, तेरी कहाँ है? कौन सी वाली? अरे दोनों। गुलटी जी मधु जी, गुलटी जी मधु जी, आओ आओ जल्दी आओ। जल्दी आओ भाई। अरे माँ जी, माँ जी मधु की तबीयत ठीक नहीं है। चलो कहो वो बैठो। क्या भाई? ओ क्या है ना सासू माँ, मेरे पेट में बड़ा दर्द है। मैं दबा दूँ? तो ना ना, पेट नहीं दबाते। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे तो फिर तुम पूजा में जाओगे कैसे? वही तो मुश्किल है। तो तुम यहीं रुक जाओ। हाँ भाई, इसके साथ किसी को रुकना पड़ेगा। हाँ, हमें पता है सब, हमें देखेंगे तो हम ही रुक जाते हैं। नहीं तो ठीक, किसी की रुकने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगी जैसे ही मेरा पेट दर्द बंद हो जाएगा। आएगा आएगा, आने वाला जरूर आएगा। अरे तो मैं रुक जाऊं? रुकने की बात मत करना। चुप चुप, अभी नहीं। आप तो बिल्कुल मत रुकिए, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी खुद ब खुद वर्मा जी के यहाँ। पिताजी पूजा वर्मा जी के यहाँ है या शर्मा के था वर्मा था? हमें याद नहीं है। नहीं क्या, मैंने क्या बताया था? वर्मा ही। अरे रानी जी क्या कहाँ जा रहे हैं? अरे आप दोनों बाप बेटे एक जैसे, भूल जाते हो। शर्मा जी क्या? शर्मा जी क्या? वहाँ भी आ जाऊंगी। वहाँ भी? हाँ पिताजी दोनों जगह आ जाएंगी। अरे पूजा तो एक जगह है ना। हाँ और एक ही शर्मा है। अब आपको रास्ता कैसे पता चलेगा? हाँ मैं रुक जाता हूँ, मैं लेके आऊंगा ना आपको। नहीं नहीं मैं आ जाऊंगी, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? रास्ता पता है आपको? हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आइएगा। आ जाऊंगी। आइएगा। आ जाऊंगी। कहाँ इधर आ रहे हो? नहीं मतलब आ जाएंगी ना। चलो भाई चलो, चलो चलो भैया चाहिए ना। क्या क्या रात में भी चश्मा क्या है? चलो चलो स्टाइल है ना, क्या स्टाइल है, उल्लू लगता है। हाँ ठीक है आ जाना। हाँ प्राणनाथ आ जाऊंगी, और जाने वाली हो सके तो लौट के कभी ना आना। हेलो दाया भाया, घर पर कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ।
हूँ। चुरा के घर तेरा गोरिया चली, सोना कितना सोना है, सोनी जैसा मेरा तन। जल्दी जल्दी करो पैसे। ना जल्दी रख। मजा आ रहा है। भाई आज के जमाने में जब लोग 10 रुपए के नोट को भी ऐसे पलट पलट कर देखते हैं, तुम इतना सारा सोना बिना परखे ले जा रहे हो। चोरी के जेवर में होल मार्क नहीं देखते हैं, पर घर के मालिक को हम जरूर देख लेते हैं। इस समय तुमने वापस आकर गलती की है। ये कुछ निकाल रहे हो? जिंदा नहीं बचोगे। बट ओनली हट हट हट। मेरे हस्बैंड ने को मार सके जे किसी में दम ना, और मेरो एक मुक्का तुम तीनों के लिए कम ना। अरे क्या कर रही हो, 2.5 किलो का लग जाता तो ना। प्राण परमेश्वर, मैं आप पे हाथ कैसे उठा सकती हूँ, माफ कर दो मुरली वाले। आप सब आ गए? जी हाँ, हम लोग कहीं गए नहीं थे, यहीं पास में छुपे हुए थे। प्राणनाथ, आप भी? प्राणनाथ? कौन प्राणनाथ? कैसा प्राणनाथ? प्राण लेगी का? इतने सारे जेवर? अम्मा ये वही जेवर है ना जो तुमने छत पे मटके में छुपा के रखे हैं? वो नहीं, नहीं नहीं वो नहीं है। मीत मिलाना मन का? अरे मीत कैसे मिलेगा, अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है। हाँ नहीं तो हम सबको अपने घंटे पे पूरा भरोसा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलतो है। हाँ, इसलिए हमको तुम पर शुरू दिन से ही शक हो गया था, तभी तो ये प्लान बनायो है पेड़ा खा के। हाँ, और पूजा वाली बात भी झूठ थी, और ये जेवर भी झूठे थे, मतलब नकली थे। नकली? चलो। हाँ, बड़ा आया है चोरी करने हमारे यहाँ। अचानक पुलिस कैसे आ गई? अचानक से नहीं आई है, हमने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। सचमुच में नकली है? सारा कसूर मधु का है, इसको 14 नंबर बंगले में जाने को कहा था, ये 12 नंबर में चली आई। अरे उनके घर का हर सामान उच्च कोटि का था, अगर उनके यहाँ सोना नहीं भी मिलता ना तो उनके घर का सामान बेचकर हम माला माल हो जाते। ए, ए, क्या कह रहे हैं आप? 14 नंबर वाले बंगले में क्या है जो हमारे बंगले में नहीं है? ये शर्ट देख रहे हो जो मेरे बेटे ने पहनी है, इटली से आई है, 10,000 रुपए की है। ये शर्ट दिल्ली के फुटपाथ में 70 रुपए में मिलती है। छाटा बिना छाटा बिना छाटा बिना फट गए सारे कबाड़े। भाई क्या बात हो गई? हाँ ये घड़ी देखो, 2.5 लाख रुपए की है। 2.5 लाख रुपए की ये घड़ी? हाँ, ये घंटा? घंटा तो मैं हूँ, ये घड़ी है। ये तो चलती भी नहीं है। संभाल के पटकना नहीं चल पड़ेगी। अच्छा ये टेबल बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। पिताजी ले आते, आप ले आते ना, टूटेगा ही नहीं।
मोबाइल 25,000 रुपए का है। ये मोबाइल 25,000 का? ये तो डमी है। डमी? डमी ये। पिताजी हम तो इसी से नंबर लगाते थे, तभी फोन नहीं लग रहा था। अरे डमी क्यों हमारी बेइज्जती करा रहा है, कोई चीज काम नहीं कर रही, तू क्या काम कर रहा है यार? पिताजी इन्होंने हमारी सामान की बेइज्जती नहीं की है, हमारे सम्मान की है। की कर रहा? कुर्ता। कुर्ता? हाँ हमारे पिताजी का कुर्ता 11,000 रुपए का है, बनारसी सिल्क का। और धोती 12,000 रुपए की है, वो भी सिल्क की। ये धोती कुर्ता, अरे हाथ लगाते ही फट जाएगी। नहीं फटेगी, दिखाऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ। अरे नहीं यार, क्या करके? नहीं नहीं, अरे धोती होती नहीं, देखो धोती हाथ लगा रहा। क्या कर रहे हो यार, तू अपना होश खो रहा है, इनको जोश आ रहे हो। पिताजी हमने आपसे कहा था ना, हमारी इज्जत का सवाल है। इज्जत का जवाब दूं मैं इसका? नहीं नहीं। जिंदगी कैसी है पहली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, अब हम तुम लोग में से किसी को किडनैप करेंगे। खबरदार, किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो जिंदगी भर हिलते रहोगे। मेरी तरफ देख रहे हो यार? अरे किडनैप करोगे यार? किडनैप? इतने बड़े शरीर को कैसे किडनैप कर लोगे? नहीं करेंगे, वो तो छोटे लोगों को किडनैप करता है, जैसे ये छोटे। मतलब मुझे तो क्या करना पड़ेगा? क्या करें, जब हम परेशानी में होते हैं हम एक ही चीज करते हैं, माता जी से पूछते हैं, माता जी क्या करें? अम्मा अपना गिट्टी। अरे इंस्पेक्टर साहब ये तो हमारा बच्चा है। हाँ। अरे बच्चा बदल गया। इधर कहाँ छुप रहा है? हाँ चलो। हाँ बड़ा आया है चोरी करने हमारे यहाँ। अचानक पुलिस कैसे आ गई? अचानक से नहीं आई है, हमने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। पुलिस बाहर इंतजार कर रही थी पेड़े खा के। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब ले जाइए ले जाइए, ये गलियां ये गोलियां या आना ना दोबारा। हाँ अच्छा ले जाइए ले जाइए, चल तू भी चल। क्या प्राणनाथ, तूने तो आज प्राण ही निकाल दिए थे मेरे। मेरे प्राण निकल जाते इसके प्राणनाथ चले जाते। प्राणनाथ ऐसे ना बोलो। सुनो जी कश्मीर तो एक बार आप भी गए थे ना। हाँ शरीर बनाया सब तीखा खा कर बोले रे सब मीठे की माया। अंगी देसी 80 सालों आया तो शरीर बनाया सब तीखा खा कर बोले है सब मीठे की माया। ए इनकी विधि का वो जलवा, डॉक्टर मिल गए इनका हलवा, फिर दे जान से ज्यादा अपनी छोटी को संभाले। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे हे अच्छा घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे
क्या हुआ गुलटी जी, कैसी हैं आप? सुंदर हैं सुशील हैं। ये तो हम जानते हैं। और परेशान भी हैं। ये तो अच्छी बात है, हम भी परेशान हैं। कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, लेकिन आप तो हमारी पत्नी है तो परेशानी कैसे? हमें नींद नहीं आ रही है। है? ये तो बहुत अच्छी बात है। झन्ना कहता है दिन में सोना नहीं चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें रात को भी नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, झन्ना कहता है रात को तो जरूर सोना चाहिए, क्योंकि जब रात को नींद अच्छी होती है तो सवेरा अच्छा होता है और लाइफ बन जाती है। जन्ना के पिताजी ने कभी लाइफ देखी है? हम जन्ना के पिताजी को नहीं जानते, पूछ के आते हैं। अरे बाहर में गया जन्ना और उसके पिताजी, यहाँ हम परेशान हैं और आप हमको ज्ञान बांट रहे हैं। अरे ज्ञान बांटना ये तो हमारी परंपरा है, और पता है जन्ना कहता है ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। हमारी जान जा रही है और आप जन्ना के पीछे पड़े हुए हैं। आपकी जान? कब, कैसे, क्यों? चलिए डॉक्टर के पास चलिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं नहीं, हमें मत समझाइए, जो समझाना है डॉक्टर को ही समझाइए। डॉक्टर को? अरे हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें गर्मी लग रही है उसी की वजह से हमें नींद नहीं आ रही, बस यही हमारी परेशानी की वजह है। अरे आपने तो हमारी जान निकाल ली थी, हमें लगा आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। हम चाय किसे पिलाएंगे, हमें खाना कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? आज मौका है, पता कर लीजिए कि कौन खिलाएगा। वैसे हम तो नहीं खाना बनाने वाले। आप खाना नहीं बनाएंगी? अरे हम खाना खाने की दुकान से यहाँ घर आए हैं ना। हम कैसे खाना बनाए, इतनी गर्मी है, अगर हम रसोई में जाएंगे तो हमें चक्कर आ जाएगा और फिर आपको हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ, उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना तो बहुत परेशानी वाली बात है। एक काम करिए, आप लेट जाइए, हम आपको पंखा कर आइए। ठीक है, चलिए आप बैठ गई, बैठ कर सोएंगी, कोई बात नहीं। अरे है, अच्छा अच्छा, गुल्टी जी जब आपको नींद आ जाए ना बता दीजिएगा, हम दुकान चले जाएंगे। इतनी जोर से बोलेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? माफ कीजिए, सोइए सोइए। गुल्टी जी जब आपको नींद आ जाए बता दीजिएगा, हम दुकान चले जाएंगे। आराम से चाय पीना। देख तेरे दादाजी घंटा टाइम में पैसे लगा के बर्बाद कर दें, अब पंखा जलवा के उसके पैसे वसूल कर रही हूँ। जल जल दादी, चाय खत्म होगी। दादी, अरे पागल। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। ओहो हो, बहुत गर्मी। अरे बाके बिहारी ज्वाला। दादी जी चाय। अरे पागल हो गई, चाय पिलाएगी? अरे चाय से तो ज्यादा गर्म मेरा पसीना हो रहा है, ऊपर से लाइट भी ना है, क्या करूं बाके बिहारी? अरे ऊपर की बात छोड़िए, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से अगल से बगल से कहीं लाइट नहीं आ रही दादी, लेकिन आपकी चाय तो टाइम पे आ गई। लो तुम्हें मारना चाह रही है का? अरे इतनी गर्मी में चाय, मैं तेरे का बिगाड़ो है लल्ली? अरे आपने हमारा कुछ थोड़ी बिगाड़ा है, आप भूल गई हो नहीं तो? आप बताइए आप हमें कितना प्यार करती हैं, एक किलो की दो किलो? सवा दो किलो। हाँ? आपने तो एक टन कही थी। तो एक टन एक, सवा किलो दो। हाँ? तो दो ज्यादा हुआ ना। दो यहाँ दादी, देखो आपने हमारा गुन्नी बिगाड़ा, हमने आपका गुन्नी बिगाड़ा, और एक बात आपने कही थी कि नहीं, चाकू रखे सैया मार सके ना कोई, ये वाली बात आपने बताई थी कि नहीं? तो फिर ये चाय क्यों बिगाड़ रही है? अरे मैं ना बिगाड़ रही हूँ? हाँ? कितना बोलती है आप, भूल नहीं है आपने हमसे दो महीने पहले क्या कही थी? कही थी सन्नो बेटा इस टाइम पे हमें स्पेशल अदरक वाली चाय ला के देना, तो हम आपके लिए आज चाय पे चाय लाए हो। नहीं तो हे बाके बिहारी, ये तो वही बात है गई कि जाना था जब रंगून पहुंच गए चीन। अरे दो महीने पहले कौन सा महीना था? ठंडी का। हाँ अब कौन सा है? गर्मी का। तो फिर तो क्या हुआ? आपने तब कही थी हमने आज मान ली, और हम आपके लिए इतनी अच्छी चाय बना के लिए, और आपने हमसे एक और बात कही थी कि कही थी सन्नू बेटा कि सुबह सुबह का भूला, शाम को घर लौटे आए तो भूला ना कहा जाए बस। वही तो, आप भी ना दादी, आपने हमसे बात कही थी कि नहीं कही थी? तो फिर अब आपने हमसे कहा कि बेटा सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते, तो हम
भी सुबह गए थे और शाम होने से पहले आ गए और आपके लिए स्पेशल चाय भी ले आए दादी। एक तो गर्मी के मारे सर घूम रहा है, ऊपर से तेरी बातें सुन सुन के सिर और घूमने लगो है। ला पीछा ना छोड़ेगी, ला दे चाय पी लो, ले खुश। हाँ, पंखा चल। हाँ, पंखा तो है नहीं। ये है ना घंटा टाइम। काफी आराम से चाय पीना। हा? देख तेरे दादाजी घंटा टाइम में पैसे लगा के बर्बाद कर दें, अब पंखा जलवा के उसके पैसे वसूल कर रही हूँ। जल जल दादी चाय खत्म होगी। दादी अरे पागल। अच्छा ठीक है, अरे दे दो। एक और कहावत भी बताई थी तुम्हें। कौन सी? जल्दी को काम और शैतान को काम होए। चैन से चाय तो पी लें, तू पंखा झल। अच्छा ठीक है झल ले। तो इतनी गर्मी में चाय बना लो, ऊपर से इनका पंखा भी चलो, नहीं तो हमारा तो दिमाग खराब कर दिए दादी ने भी आनी तो। लल्ली कुछ बड़बड़ा रही है। हम कुछ कह सकते हैं दादी, हमें भी गर्मी लग रही है नहीं तो। दादी एक बात कहें, हम ना जा रहे हैं, हमारा दिमाग ना खराब हो गया और हमारा दिमाग उबलने लगा और दिमाग में रायता फैल गया नहीं तो। तो रायता बटोलो ले ले। हम दादी रायता कैसे समेट सकते हैं? हम अपने दिमाग में थोड़ा सा पानी डाल के आते हैं नहीं तो। रुक। चैन से चाय पी लेने ले ले। दादी अब हम जा रहे हैं, अगर आपको चाय अच्छी लगी तो ठीक, नहीं अच्छी लगी तो फेंक देना नहीं तो। रुक कप तो लेती जा, रसोई में छोड़ देना। ठीक है जा रहे। हे बाके बिहारी, अब पंखा कौन झलेगा? कितनो बोलती है, अब तो जी घंटा टाइम ने भी धोखा दे दियो, एक तो इनने घंटा के बाबूजी ने धोखा दे दियो, एसी ना लगान दियो और अब ऊपर से जब पेपर भी काम ना आ रहा हो। मम्मी। क्या मम्मी मेरे कपड़ों में प्रेस क्यों नहीं किया आपने? अरे इतनी गर्मी है, हम तो ढंग से सो भी नहीं पा रहे थे। वो तो तेरे पापा आ गए और उन्होंने हमें हवा की, तब जाके झपकी आई। मुझे कॉलेज जाना था ना। अरे भाई तो चले जाओ कॉलेज, सुबह जल्दी उठा है तो जल्दी कॉलेज जा। छन्ना कहता है कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनके सूरज ज्यादा उगता है। हाँ फिर वही झन्ना। हाँ वही झन्ना। दुनिया में एक ही झन्ना है। दुनिया में एक ही झन्ना है ये हमें पता नहीं, पता लगा कर बताते हैं आपको। बेटा तू कॉलेज जा, कॉलेज शुरू हो गया होगा। हो गया कॉलेज शुरू, लेकिन अब मैं इस कपड़ों में मैं कैसे जाऊं कॉलेज बिना प्रेस के।